इसको रिपीटेड मेथड देके कर सकते हैं। ओवरहेड का प्रॉब्लम है, इलस्ट्रेशन नंबर वन पेज नंबर D4। इंफॉर्मेशन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अमाउंट्स दिया 6,000, 4,000, 2,000 और सर्विस डिपार्टमेंट के आंसर दिया, उसके वैल्यूज दिया x का 1170, y का 1500 रुपीस। और इसको जो बांटने का उन्हें तरीका बतलाया, ए बी सी का आंसर 30%, 40%, 20% और 10% y को, y के आंसर 20, 20, 40, 20, यानी कि एक है सो अपना 10% y को भी देगा, y है सो अपना 20% x को भी देगा, ये मतलब है इसका। अब ऐसा प्रॉब्लम है रिपीटेड मेथड में कर रहे थे वो बहुत आसान है, मगर साइमल्टेनियस मेथड इक्वेशन मेथड बताता हूं, देख लो करना कुछ भी नहीं है तो फॉर्मूले क्रिएट करना पड़ता। सबसे पहले x का इक्वेशन देखो, x इक्वेशन इज इक्वल टू x की वैल्यू 1170 प्लस y का 20% है, तो ये वाला ऑपोजिट वाला लेना, कितना 20% x, तो इसको 0.2 y ले लो। 20% का मतलब क्या है, 20/100 0.2 ले सकते हैं। फिर y का इक्वेशन बतलाते वक्त 1500 टोटल है उसका, प्लस x का वैल्यू लो 0.1 x का वैल्यू पॉइंट में ले सकते हैं वैसा। अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर लेंगे, इसको यहां ला लो x माइनस 0.2 y इज इक्वल टू 1170, इसको यहां ला लो माइनस 0.1 x प्लस y इज इक्वल टू 1500। x पहले जमा ना, समझे, x पहले जमा, तो अब उधर से उड़कर इधर आया तो माइनस हो जाता। अब इसको ये पॉइंट हटाना बोले तो 10-10 से इंटू कर लो अच्छा रहता, समझे। अगर मैथमेटिक में फास्ट है तो नहीं भी करे तो चलता, लेकिन कर लिए तो अच्छा है। 10-10 से इंटू करने पर 10x माइनस 2y इज इक्वल टू, इंटू करे तो दोनों तरफ इंटू करना पड़ता पूरा, यहां पर भी 1x, अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 10 से इंटू करते कि 0.1 जाके 1 बन जाता, ओनली x लिखे तो 1 ही चाहे समझो। और ये हो गया 10y इज इक्वल टू 15,000। अब इन दोनों को कट करना रहता, या तो x को या तो y, तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाले को 10 से इंटू कर लिए तो x कट हो जाता फिलहाल, या तो ऊपर वाले को 5 से इंटू कर लिए ऊपर वाले इक्वेशन को तो ये 10 बनेगा और ये दोनों कट हो जाएंगे, मर्जी की बात है, समझे ना, मैथमेटिक्स है कैसा भी कर सकते, या तो इसको 10 से इंटू कर लो x कट कर लो, या तो ऊपर वाले को 5 से इंटू करके y कट कर लो, क्या इसको 10 से इंटू कर देगा। अब क्या होगा, माइनस 10x प्लस 100y इज इक्वल टू 1,50,000 हो गया है। अब सिंपल दोनों को प्लस कर लो, बस एडिशन कर लो, ये कट हो गया प्लस और माइनस, और ये हो गया 98y, और ये हो जाएगा कितना प्लस करने के बाद 161,700। अब y इज इक्वल टू 161,700 डिवाइडेड बाई 98, इधर इंटू में तो उधर डिवाइड हो जाता, क्या होता बोलो, 1650 y का आंसर। अब कोई भी एक इक्वेशन जो तुम्हारे को पसंद है उसमें
वाई की वैल्यू रख दो, एक्स का आ जाता ऑटोमेटिक आंसर। क्या करेंगे इसमें रख लेंगे, ये थोड़ा इजी दिखा। तो y इज इक्वल टू 1500 और इसमें बोल रहा था x माइनस 0.2 y 1650 इज इक्वल टू इतना। ये सारा 0.2 से इंटू करो इसको, 3300 0.2 से इंटू करो 3300 वहां भेज दो। अब ये माइनस वाला प्लस हो गया, उधर क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू प्लस करो 1500, तो x का वैल्यू आ रहा 1500 और y का आंसर आया 1650। अब ये दोनों वैल्यूओं का करना क्या वो बतला हो। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, a b और c। सबसे पहले इनके खुद के अपने टोटल क्या है वो बता दो, इनके अपने टोटल है 6000 4000 2000 के टोटल डाल दिए। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको, ए बी सी तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट, एक्स के आंसर उनको बांटना है, एक्स का वैल्यू 1500 आया था, 30% 40% 20% ये हिसाब से बांटना है। तो कितना आ रहा है इसका, 1500 का 30% 450, 1500 का 40% कितना आता 600, 1500 का 20% कितना आता 300। वैसे ही फ्रॉम y के पास से 1650 आंसर आया था, बांटना है 20-20-40% 20-20-40% बांटना है तीनों में, 1650 का 20% कितना हुआ 330 और ये 660। तो पूरा टोटल कितना हुआ, टोटल ओवरहेड 6780 9 2960। बस ये इक्वेशन मेथड है, चाहे तो रिपीटेड मेथड भी कर सकते हैं, वो ज्यादा आसान है।